नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ग्राइंडर रिपेयरिंग के बारे में जानकारी आपको बताऊंगा कि ग्राइंडर यदि अचानक काम करते करते बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयरिंग कैसे करना है। आप घर पर ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। कुछ इसके पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसको आपको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, या फिर बड़े पार्ट खराब होते हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन छोटे पार्टों को आप अपने घर पर ही चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपका काम नहीं रुकने वाला है कि आप इस वीडियो को पूरा देख ले। जैसे कि इसकी लीड हो गई, लीड को आप मार्केट से ला करके इस तरह से, चाहे थ्री प्लग वाली हो, इस तरह से लीड ला करके घर पर ही चेंज कर सकते हैं। इसका कार्बन हो गया, कार्बन को ही घर पर आप चेंज कर सकते हैं। इसकी स्विच हो गई, जो बटन यहाँ पर लगी होती है, इसको आप घर पर ही चेंज कर सकते हैं। और इधर वाले जैसे कि आर्मेचर जल गया, फील्ड जल गई, इसको आपको ले जाना पड़ेगा दुकान पर। इधर की बेयरिंग जाम हो जाती है, फिर दुकान पर आपको ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इधर वाले पार्ट खराब होते हैं, लीड, कार्बन और स्विच, तो उसको आप केवल एक पेचकस की सहायता से आसानी से चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा टूल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगा होता है, इसको हमने ढीला पहले से कर लिए हैं। इस तरह से खोलना है, बाकी इधर कहीं स्क्रू नहीं लगे होते हैं, नट बोल्ट नहीं लगे होते हैं। इस स्क्रू को खोलने के बाद इसको इस तरह से खींच लेना है बाहर के साइड में। ये देखिए, अब हमको यह चेक करना है कि लीड खराब है या फिर इसका कोई दूसरा पार्ट खराब है। तो सीरीज लेना है, हमारे पास ये सीरीज है। सीरीज से पहले लीड को चेक कर लेते हैं, यदि लीड खराब है तो उसको कैसे चेंज करना है यह भी बताऊंगा। स्विच को ऑन करते हैं और देखिए, इस तरह से आपको लीड चेक करना है। इस पॉइंट पर लगाना है और इसके दो इधर पॉइंट निकले हुए हैं वहाँ पर लगाना है। बल्ब ग्लो होना चाहिए, जैसा कि ग्लो हो रहा है। अब इधर इस पर लगाएंगे और इस पर लगाएंगे, यदि ऐसा हो रहा है तो लीड सही मानी जाती है। मान लीजिए हमने एक यहाँ पर लगाया, यहाँ बल्ब जल रहा है, और इसको चेंज करके यहाँ पर लगाया, इस पर बल्ब नहीं जल रहा है, फिर भी लीड खराब मानी जाती है। यदि इस वायर पर लगाने पर यहाँ भी जल रहा है और यहाँ भी, दोनों पॉइंट पर इधर जल रहा है, तो फिर भी लीड खराब मानी जाती है। यदि किसी पॉइंट पर यहाँ लगाने पर यहाँ किसी पॉइंट पर नहीं जल रहा है बल्ब, फिर भी लीड खराब मानी जाती है। लीड चेंज करने के लिए क्या करना है, देखिए इसको साइड में रख लेते हैं। लीड चेंज करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगा होता है, इसको ओपन करना है। देखिए, इसको ओपन करके ये लीड दबी होती है यहाँ पर, अच्छे से टाइट रहती है ताकि खींचने पर इधर उधर ना हो पाए। ये देखिए, यह लॉक होता है। इसको लगाने का तरीका इस तरह से, यहाँ खांचे बने होते हैं, इस तरह से लगा करके इसको। अब यहाँ लीड के पॉइंट यहाँ पर लगे होते हैं, देखिए ये दो स्क्रू हैं, इसको ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद आपको इसको खींच लेना है इस तरह से, ये देखिए, और इसी तरह से इसको थोड़ा और ढीला कर लेते हैं। ये देखिए, ये निकल गई। इसको खींच करके यहाँ पर ये लॉक लगा होता है, इसको ऐसे करके आपको इस लीड की जगह पर दूसरी लीड लगा देना है। इस तरह से थिम्बल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट से आप लीड लाएंगे तो इस तरह से वायर होते हैं। इस थिम्बल को आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी है तो इसी वायर को आप छील करके थोड़ा लपेट करके यहाँ पर आप टाइट कर देंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं कि इसका कार्बन खराब है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे पता करेंगे। कार्बन के लिए आपको यहाँ पर देखिए, ये कार्बन लगे होते हैं, ये देखिए ये कार्बन लगे होते हैं, और इसके पॉइंट को यहाँ डाल दिया गया है। देखिए, इसको निकाल लेना है, पहले निकल गया है। देखिए, इसी तरह से इधर से भी निकाल लेना है, ये कार्बन के पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पर, इसको ऐसे, ये देखिए निकल गया। अब इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए ये क्लिप होती है, इसको इस तरह से उठाना है और साइड में कर देना है, ये ऐसे, ये देखिए ये साइड में हो गई। अब कार्बन को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको चेक करना है ये कार्बन तो भी सही है, यदि ख़राब हो जाता है या टूट जाता है या फिर पूरा घिस जाता है, उस टाइम पर आपको कार्बन चेंज करना रहता है। इस तरह से आप कार्बन भी चेंज कर सकते हैं। लगाने के लिए पुनः से इसी तरह से इसको यहाँ पर लगा देंगे, और इधर का भी पत्ती है, इसको देखने के लिए ऐसा उठाएंगे, इसको साइड में करेंगे, और इधर का भी कार्बन
यही इसका कार्बन होता है। यदि ये घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है पूरा घिस करके या टूट जाता है, तब ग्राइंडर नहीं चलती है। तो आप कार्बन को भी घर पर ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब कार्बन आप लेने जाएंगे तो मॉडल बताना पड़ेगा, तभी आपको कार्बन सही से मिल पाएगा। कार्बन ब्रश, इस तरह से आप कार्बन भी चेंज कर सकते हैं। और अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये बटन लगी हुई है, ये देखिए ये बटन, जब यहाँ से आप इसको इस तरह से वो करते हैं, इस बटन को चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लगी हुई बटन खींचती है। देखिएगा इसको जब ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ये देखिए ये देखिए ये ये देखिए ये देखिए, यह मार्केट में आपको ये वाली बटन ये पूरी सेट मिल जाती है। और यहाँ पर जो बटन लगी हुई है, बटन को चेक करने के लिए आपको यहाँ से खोल लेना है और सीरीज से ही चेक करना है कि इसमें सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही। देखिए इधर दो पॉइंट बने हुए हैं इसके लीड के। अब आपको क्या करना है, इसको पहले तो चेक करना है। इधर से बटन को ऐसे करने पर यहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए। देखिए एक वायर को यहाँ पर रखना है, दूसरे वायर को यहाँ पर टच करना है सीरीज के। चेक करके आपको बता देते हैं कि बटन को कैसे चेक करना है। सीरीज से ही चेक करना है इसको। सीरीज ऑन करते हैं, देखिए अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में इधर की सप्लाई इधर नहीं आनी चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए। देखिए जल रहा है, और एक को इधर और एक को यहाँ लगाने पर, देखिए अभी बल्ब नहीं जल रहा है। उसी तरह से दूसरे पॉइंट पर भी चेक कर लेंगे, इधर जहाँ पर लीड का लगा होता है और इधर वाले पॉइंट पर लगाना है। ऐसा होने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। जब इस स्विच को हम ऊपर की ओर पुश कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऐसे अब सप्लाई इधर जानी चाहिए। इस वाले पॉइंट पर लगाना है और इधर इस वाले पॉइंट पर, देखिए बल्ब जल रहा है, ये देखिए। ऐसा है तब तो स्विच सही मानी जाती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, या एक पॉइंट पर बल्ब जल रहा है, या एक पॉइंट पर टच करने पर दोनों पॉइंट पर बल्ब जल रहा है, या फिर किसी पॉइंट पर टच करने पर किसी पॉइंट पर भी बल्ब नहीं जल रहा है, इस कंडीशन में स्विच खराब मानी जाती है। उसको कैसे चेंज करना है, आइए उसको भी सीख लेते हैं। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं, और इनको ख़राब होने पर आप आसानी से ही घर पर चेंज कर सकते हैं। इस स्विच को चेंज करने के लिए सबसे पहले इस लॉक को आपको छटकाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए दूसरे साइड में करना पड़ेगा, यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए इसको आपको साइड में कर देना है। ये देखिए यह साइड में हो गया। अब इधर से क्या करना है, पुश कर देना है। इस लॉक को थिम्बल को निकाल लेना है जो कि स्विच में लगे होते हैं, ये देखिए इसको और इसको भी, दोनों को, ये देखिए। इसको निकालने के बाद इस स्विच को उधर पुश कर देंगे इस तरह से। चलिए आपको बताते हैं, आराम से निकालना है, टूटे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। और इस लॉक को थोड़ा सा ऐसे फैलाना है, ये देखिए ऐसे फैला करके आपको इसी साइड से इसको खींच लेना है। देखिए ये स्विच बड़े ही आसानी से निकल गई, देखिए ये स्विच है, ये देखिए ऐसे ये लगी होती है। यहाँ पर ये लॉक लगे होते हैं, देखिए लॉक को इधर फैलाएंगे थोड़ा सा और उस पार से इस तरह से स्विच को पुश कर देंगे, स्विच बाहर निकल जाएगी। अब एक बार बाहर भी आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। सीरीज के एक वायर को यहाँ पर लगाना है, एक वायर पर यहाँ लगाना है, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, इस तरह से चेक करना है। इसको दबाने पर बल्ब जलना चाहिए, और इसको छोड़ देने पर बल्ब नहीं जल रहा है तो यह स्विच खराब मानी जाती है। इसकी जगह पर दूसरी चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चेंज करने के लिए सेम इसी तरह से आपको स्विच लेना है। स्विच ले करके देखिए ए वाले पॉइंट जिधर रहेंगे, ए थिम्बल ऊपर साइड में रहेंगे, और इसको इस तरह से लगाने के लिए आपको ये लॉक जो है ना इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। ये देखिए इसको आप इधर से पुश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फैला करके देखिए बड़े ही आसानी से यह बैठ गई। इस थिम्बल को पुनः से लगा देंगे। इस तरह से आप इसकी कार्बन
लीड और स्विच को बदल सकते हैं। यदि इधर का कोई कवर वगैरह ख़राब होता है, स्प्रिंग वगैरह ख़राब होता है, ये भी नया मिल जाता है, इसको भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ग्राइंडर रिपेयरिंग की लीड, कार्बन और स्विच की जानकारी मिल गई।